प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है विधि सेल्स कारपोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। विधि सेल्स कारपोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक, आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स टावर चौक अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाली पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। बड़े शहरों की टच पर हाईवे पर लग रहे हैं CCTV। लेडी हार्डिंग के पास का अतिक्रमण हुआ साफ, स्थायी समिति की सभा हुई संपन्न और दूसरे दिन भी सफल रहा संपूर्ण लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। दर्शकों, कल से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है हम तो पूछेंगे। अगर आपके दिल में भी सिस्टम को लेकर, सरकार को लेकर कोई सवाल है, आप सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम वो सवाल सरकार से करेंगे क्योंकि हम तो पूछेंगे। बड़े बड़े शहरों के हाईवे पर CCTV कैमरे लगाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना कर कोई व्यक्ति अगर भाग रहा हो तो वो उसमें कैद हो जाए और उसे आसानी से पकड़ा जा सके। इसके अलावा ओवरलोड वाहन, ओवर स्पीड वाले वाहन, इन पर भी इसके माध्यम से निगरानी रखी जाती है। लगभग इसी तर्ज पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अकोला के भी कई परिसरों में और खासकर हाईवे साइड पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये तीसरी आंख उन लोगों पर नजर रखेगी जो ओवर स्पीड के साथ ओवरलोडिंग करते हैं। इस तरह के हादसों और वारदातों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर इसी तरह के CCTV कैमरे शहर के अलग अलग चौराहों पर भी कार्यान्वित किए जाएं तो कई तरह की दुर्घटनाओं को रोकने में भी सफलता मिल सकती है। साथ ही कई बार ऐसे हादसे होते हैं जहां पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा टक्कर मारने से किसी की मृत्यु हो जाती है और वो फरार हो जाता है जिसका पता नहीं चल पाता। ऐसे हादसों को अब रोकने में, या यूं कहें नहीं रोक पाए तो कम से कम होने के बाद ऐसा अपराधी फरार नहीं हो पाएगा। हाल ही में लेडी हार्डिंग के परिसर का अतिक्रमण मनपा आयुक्त नीमा अरोरा के आदेश पर हटाया गया। इस समय इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अतिक्रमण अधिकारी मिश्रा इकबाल हुसैन और सभी अधिकारी कर्मचारी अपने ताफे के साथ यहां पर आए थे। इसके अलावा रामदासपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार गुलानी भी अपने दल बल के साथ हाजिर हुए थे। यह अतिक्रमण उस वक्त हटाया गया है जब शहर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। अतिक्रमण पहले से ही वहां मौजूद है लेकिन इसे अब हटाया गया है जब वहां पर अतिक्रमण धारक मौजूद नहीं थे। अगर उनकी मौजूदगी में ही ये पहले हटाया जाता था तो कई गरीबों के, जिनसे उनका रोजगार चलता है, वो सामान, वो गाड़ियां उसे बचा सकते थे। उन्हें बिना बताए ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है जिसे लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जहां शहर में बड़े बड़े अतिक्रमण है जिनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, उन्हें नोटिस देकर रोक दिया जाता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके अतिक्रमण को बड़े ही बेदर्दी से तहस नहस कर दिया जाता है। कई बार तो अतिक्रमण धारकों के सामने ही उनके सामानों को तहस नहस किया जाता है। कई लोगों ने कर्ज लेकर सामान खरीदा होगा, कई लोग इसकी किश्त भी चुका रहे होंगे। ठीक है कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन जिस बेदर्दी के साथ उसे नष्ट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को। अमृत योजना के अंतर्गत महानगर की सीमा में 92 करोड़ रुपए की लागत से शहर में 450 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 7 टंकियों का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है। अब पुरानी जल वितरण प्रणाली को बदलकर नई पाइपलाइन एवं नवनिर्मित टंकियों से इसे जोड़ने की प्रक्रिया के लिए 5,06,19,217 रुपए का प्रस्ताव को सोमवार को हुई मनपा की स्थायी समिति की सभा में स्थायी समिति अध्यक्ष संजय बडोनी ने मंजूरी दे दी है। महानगर पालिका की सीमा में जलापूर्ति करने वाले महान स्थित कांटेपूर्णा बांध में वर्तमान में 33% जल भंडारण बाकी है। महानगर की सीमा में पहले 15 तथा अमृत योजना के अंतर्गत बनी 7 नई टंकियों की वजह से अब उपलब्ध टंकियों की पानी की क्षमता में भारी वृद्धि हो गई है। इनमें से श्रद्धानगर, खड़की, गंगानगर, रामदासपेट के 7 नंबर स्कूल की टंकी से जलापूर्ति भी आरम्भ हो चुकी है। वहीं आकोटफेल, शिवसेना वसात एवं
जोगलेकर प्लॉट की टंकी का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया है, लेकिन कुछ तकनीकी काम से जलापूर्ति प्रलंबित है। इसलिए शहरवासियों को कुछ स्थानों पर 3 दिनों के अंतराल से वहीं कुछ जगहों पर 4 दिनों के अंतराल पर जलापूर्ति की जा रही है। पुरानी टंकियों के साथ ही नई नवनिर्मित टंकियों से शहर जल वितरण प्रणाली के 5 करोड़ के प्रस्ताव को मजीप्रा ने मंजूरी दी है। वहीं टंकियों का निर्माण भी पूरा हो चुका है, केवल टंकियों की पाइपलाइन एक दूसरे से जुड़ने एवं निकालने की तकनीकी प्रक्रिया अधूरी रहने से ये काम अभी फिलहाल में प्रलंबित है। सोमवार को स्थायी समिति की सभा में सभापति बड़ोने ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिले में कोविड संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने रविवार 9 मई की रात से लेकर शनिवार 15 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी किया है। अलबत्ता अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में कई प्रकार की छूट दी गई है। इसके संदर्भ में जिलाधिकारी ने सोमवार दोपहर के बाद में संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश अब 15 मई तक लागू रहेगा। क्या ये आदेश हम आपको बताते हैं। इसमें पेट्रोल पंप को ग्रामीण इलाकों में तथा शहरी इलाकों में सुबह 8 से 11 के दौरान केवल किसानों को उनकी खेती के काम के लिए और उनके खेत में काम तथा माल की यातायात करने के लिए जांच पड़ताल कर ट्रैक्टर लेकर आने वाले किसानों को ही ईंधन मिलेगा। इसके अलावा अस्पताल, गैस वितरण सेवा, ऑक्सीजन, औषधि, वैद्यकीय सेवा मांग के अनुरूप ही आपूर्ति होने के लिए संबंधित कंपनी के नाम से व्यवहार करने के लिए सभी बैंकों 12 से 15 तक सुबह 11 से 1 बजे तक खोला जा सकेगा। इसके अलावा दूरसंचार, टेलीकॉम सेवा, इसमें मोबाइल रिचार्ज सेंटर का समावेश नहीं है। विद्युत पारेषण आदि सेवा सुचारू करने के लिए सेवा देने वाले कर्मचारियों को अपवादात्मक स्थिति में ही काम करने की अनुमति है। उनके पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है। अनाज वितरण प्रणाली सुचारू रहने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत यातायात को अनुमति रहेगी। आस्थापना कार्यालय, कोषागार कार्यालय, बिजली वितरण कंपनी, विद्युत पारेषण, जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बांध व्यवस्थापन, सिंचाई, आरोग्य विभाग, राजस्व विभाग, महानगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, कृषि विभाग, पशु संवर्धन विभाग, जिला सूचना अधिकारी कार्यालय तथा अत्यावश्यक कामकाज के लिए कोविड से संबंधित कामकाज के लिए आवश्यक सभी कार्यालय शुरू रहेंगे, ये भी आदेश में दिया गया है। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन भी समाप्त हो गया है और इस दौरान कल के मुकाबले आज रास्ते पर भीड़ कम दिखाई दी। सारे रास्ते खामोश से नजर आए और लग रहा है कि ये संपूर्ण लॉकडाउन कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। शासकीय तिथि अनुसार हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन उत्सव 9 मई को मनाया गया। शहर के महाराणा प्रताप बाग में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय सिंह सिंगर, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद सिंह ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री गुरुचरण सिंह यदु, कैलाश सिंह ठाकुर, अकोला जिला अध्यक्ष श्री नवीन सिंह ठाकुर, सचिव श्री आशीष सिंह ठाकुर, जिला युवा कारिणी अध्यक्ष गणेश सिंह ठाकुर, शहर अध्यक्ष पवन सिंह ठाकुर, संयोजक पावर सिंह सिंगर और महासचिव शैलेंद्र सिंह ठाकुर, सुजीत सिंह ठाकुर आदि मान्यवर उपस्थित थे। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित एटीसी प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली कि दहीहंडा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले जबलखेड़ा में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने सहयोगियों को कार्रवाई करने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिलते ही दल ने छापा मार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में दल ने श्याम उत्तम राव इंदौरी, किशोर मनोहर काकड़े, विजय भीमराव तराली, पांडुरंग त्रंबक डोंगरे, मनोहर शेषराव इंडोरे, रामकृष्ण विजय बघेल को गिरफ्तार कर उनके पास से नगद 4,380 रुपए, 3 मोबाइल मूल्य 12,000 रुपए, दुपहिया वाहन 2 मूल्य 80,000 रुपए तथा 26 बोतले शराब मूल्य 1,040 समेत 97,420 रुपए का माल जब्त कर लिया। दल की प्राथमिक शिकायत पर दहीहंडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। दर्शकों, कल से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है हम तो पूछेंगे। अगर आपके दिल में भी सिस्टम को लेकर, सरकार को लेकर कोई सवाल है, आप
सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम वो सवाल सरकार से करेंगे क्योंकि हम तो पूछेंगे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। सह प्रायोजक है बुद्धि सेल्स कारपोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। बुद्धि सेल्स कारपोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक, आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स टावर चौक अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। बड़े शहरों की तर्ज पर हाईवे पर लग रहे हैं CCTV। लेडी हार्डिंग के पास का अतिक्रमण हुआ साफ, स्थायी समिति की सभा हुई संपन्न और दूसरे दिन भी सफल रहा संपूर्ण लॉकडाउन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताजा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में, अपना चैनल अपनी बात। धन्यवाद।